हर शिरडीवासी ने अपनी ओर से मंदिर के जीर्णोद्धार में, प्रसाद आदि के बनाने में, व्यवस्था में कुछ न कुछ योगदान दिया है और इसीलिए ये मक्खियां भी चाहती थी कि वो अपनी ओर से कुछ योगदान दें। इन्होंने फैसला किया कि इनके शहद का उपयोग प्रसाद बनाने में किया जाए और इसीलिए मधुमक्खियां अपने छत्ते से बाहर नहीं निकल रही थी। साईं, इतने सालों में आपने अपनी उपस्थिति से, अपने चमत्कारों से, अपने मार्गदर्शन से इस शेडी को कितना बदल दिया है साईं। अगर पीछे मुड़ के देखे तो ये शिरडी आपके बिना अधूरी है। आप आ गए तो ऐसे लगता है जैसे जैसे इस शिरडी में देवी देवता का वास है। आपकी चरणों की धूल से ये शिरडी पुण्य भूमि लगती है। अब हम मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, बस आप ही का इंतजार था। मेरा इंतजार? हाँ साई, वर्षों से शिरडी में हर शुभ कार्य आपके हाथों से होता है, तो भला हम आज आपके बिना इस मूर्ति की स्थापना कैसे कर सकते हैं? महासभापति जी, मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य आप लोगों ने किया है, इसलिए मूर्ति की स्थापना भी आप लोगों को ही करनी चाहिए। साई, सब चाहते हैं कि स्थापना आपके हाथों से ही हो। हाँ साई, हम सबकी यही इच्छा है कि मूर्ति की स्थापना आपके हाथों से ही हो। मैं कुछ बोलूं? अगर आप लोग फैसला नहीं ले पा रहे तो स्थापना मैं ही कर देता हूँ। वैसे भी बड़े होके मुझे अपने बाबा की तरह पंडित ही बनना है ना। मल्हारी, बेटा बड़ों के बीच में नहीं बोलते। महासभापति जी, ठीक ही तो कह रहा है मल्हारी। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, इनसे ज्यादा पवित्र, इनसे ज्यादा शुद्ध मन किसी का नहीं हो सकता। की स्थापना तो मल्हारी ही करेगा। साई की बात बिल्कुल सही है। लीजिए, आपको पता है ना, शनि मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो किसी को न्योता क्यों भेजा जाए? भगवान सबके, अब भगवान खुद तो आएंगे नहीं किसी को न्योता देने। मंदिर से कभी किसी के यहां न्योता आता है क्या? सब अपनी स्वेच्छा से, अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं।
किसी को बुलावा नहीं दिया गया है, इसलिए हमें भी वहां जाना चाहिए। क्या खाक जाना चाहिए? पागल हो गई हो क्या? अरे भाग्यवान, जब मंदिर से किसी को न्योता गया ही नहीं है तो कुलकर्णी सरकार वहां बिना न्योते के जाएंगे क्या? नहीं ना, तो जहां कुलकर्णी सरकार नहीं जाए वहां हमें भी नहीं जाना चाहिए। शनि मंदिर। कौन है? कौन है? ए, रुक! ने प्रसाद लिया? मैं खा लूंगा भाई सामा। कब लोगे? चलो अभी मेरे साथ चलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए, प्रसाद ले लीजिए और दर्शन भी कर लीजिए। साथ साथ रहते रहते हमें एक दूसरे की आदत सी हो गई है।
ऐसा लगता है कि ये हमारा गांव एक बहुत बड़ा परिवार है और जिसके मुखिया हैं साईं। जो हमेशा हमारी देखभाल करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हाँ, मुझे आज भी वो दिन याद है जब बिच्छू ने मुझे डंक मारा था, तो कैसे पूरा गांव मेरी चिंता में डूब गया था। तब साई ने ही मेरी रक्षा की थी। जहर शरीर के कई हिस्सों में फैल चुका है, इसलिए जरूरी यह है माधव को आज सारी रात खड़ा रखा जाए। उठो श्यामा। जब पहली बार मेरी फसल जिसमें कीड़े लगे थे उसे साई ने बर्बाद होने से बचाया, और एक बात ये भी सच है कि कोई भी साई से सच्चे मन से अगर मदद मांगे तो साई सबकी मदद करते। किसी में भी भेदभाव नहीं करते और साई की कृपा से मेरी आई की आंखों की रोशनी भी वापस आई थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी पत्नी और बेटे के साथ यहाँ शिरडी में रह सकूंगा, अपनी मर्जी का मालिक बन सकूंगा। मैं तो दास था, मेरी सोच पे भी पहरा था, पर साई ने मुझे आजाद करवाया, अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया मुझे। मुझे ये इंसान चाहिए, मुक्त करना चाहता हूं तुम्हें इस दास प्रथा से। साई ने मेरे काका काशीराम को दूसरा जीवन दिया। स्वागत है तुम्हारा काशी। वैसे अब काशीराम यात्रा से कब लौटने वाले हैं? कल ही काका का संदेश आया था, वो नगर में है, थोड़ा समय लगेगा।
साईं को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। ये तो वो राणा डाकू है। तुम यहां क्या कर रहे हो राणा? डाकू लुटेरे जो करते हैं वही करने आया होगा। देखो इसके पास खंजर है, ये जरूर साईं को मारने आया था। देख क्या रहे हो, मारो इसे। रुको, अगर ये मुझे मारने आया होता तो आप लोगों की नजरों में आने से पहले, क्यों पकड़े जाने से पहले मुझे मार चुका होता। साईं, आप संत हैं, आपके दिल में सबके लिए करुणा और दया है, आप बहुत आसानी से सबको माफ कर देते हैं। दुष्टों के अवगुण भी आपको गुड़ लगते हैं, लेकिन सच यह ऐसा है कि हिंसक प्रवृत्ति वाले सुधरते नहीं, और मैं जानता हूं यह कितना निर्दयी और क्रूर है। शांत शांत हो जाओ किशन, मैं जानता हूं तुम्हारे काका काशीराम के साथ जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल नहीं पाए हो, पर तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि राणा अब अपराध की दुनिया छोड़ चुका है। अपने किए की सजा इसे मिल चुकी है, इसने दंड भोगा है, प्रायश्चित किया है इसने। ये सुधर चुका है, बदल गया है ये। साई, जिस तरह सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसता ही है, उसी तरह दुष्ट की प्रवृत्ति कभी बदल नहीं सकती। ये यहां बदला लेने आया है। राणा, तुम अपना पक्ष खुद गांव वालों के सामने क्यों नहीं रख रहे हो? बोलो राणा। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आया था, ना ही किसी से बदला लेने के लिए। साईं, जैसे आप लोगों के लिए प्रिय हैं, पूज्य हैं, वैसे मेरे लिए भी हैं। मैं सजा खत्म करने के बाद केवल आपसे मिलने आया था। झूठ बोल रहा है ये। साई, अगर ये आपसे मिलने आया होता तो अपने साथ खंजर क्यों रखता, क्यों अपना चेहरा छुपा कर आता? क्योंकि जैसा व्यवहार तुम लोग कर रहे हो ऐसे ही बाकी लोग भी करते हैं, हर कोई करता है। साई, मैंने अपने पुरानी जिंदगी में न जाने कितने लोगों को मारा है, काटा है। जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, या तो ये चेहरा देखे भाग जाते हैं, या तो मुझ पर हमला कर देते हैं। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैंने ये खंजर अपने पास रखा है, और लोग मुझे पहचान न ले इसीलिए मैं अपना चेहरा छुपा कर आता जाता रहता हूं। मैंने सोचा कि मैं आपके शरणों में आ जाऊं, क्योंकि इस जीवन में अगर मुझे किसी ने सुधारा है तो आप ऐसा ही।
आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही मैं बदला। कोई बात नहीं राणा, मैं तुम्हारे साथ हूं। आओ। आओ मेरे साथ। साईं, साईं, ये क्या कर रहे हैं आप? एक डाकू को अपने साथ लेके जा रहे हैं? कहीं इसने आप पे हमला कर दिया तो? साईं। किशन, चिंता मत करो, वो साईं है हमारा। साईं बिना कारण कभी कोई काम नहीं करता, और उसके हर कार्य के पीछे किसी ना किसी का हित जरूर छुपा रहता है। सही कह रही हैं आप, और वैसे भी जिसने हम सबकी रक्षा की हो उसे भला किस बात से डर। अब मैं वाकई में सुधर गया हूँ साईं, मुझ पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो राणा डाकू है, लेकिन ये साईं के साथ क्या कर रहा है? कौन है? ए, रुक! कहीं ये बैरागी पागल तो नहीं हो गया? एक डाकू को अपने साथ लेकर जा रहा? साई, प्रणाम साई। राम जी भला करे, इतना तेज भाग कर क्यों आ रहे हो दादिया? आप ही से मिलने आया था। आई पापा औरंगाबाद गए हैं किसी शादी में शामिल होने के लिए। आई ने ये लड्डू आपके लिए भेजे और कहा है कि आप अपना ध्यान रखना और खाना समय से खा लेना। भाईजा माँ चाहे कहीं भी जाए लेकिन उनका ध्यान यहीं रहता है, और जैसे ही उनकी जरूरत पड़ती है वो तुम्हारे बाबा को लेकर फौरन यहाँ पहुंच जाती है ना? जी। अच्छा सुनो तात्या, तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है साई। साई अभी मैं चलता हूँ, आज ही घर पे अकेली है, वो मेरी चिंता कर रही होगी। ठीक है। ये तो वो राणा डाकू है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो राणा? डाकू लुटेरे जो करते हैं वही करने आया होगा। देखो इसके पास खंजर है, ये जरूर साईं को मारने आया था। देख क्या रहे हो, मारो इसे। रुको, अपने किए की सजा इसे मिल चुकी है, इसने दंड भोगा है, प्रायश्चित किया है इसने। जिस तरह सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसता ही है, उसी तरह दुष्ट की प्रवृत्ति कभी बदल नहीं सकती। कौन? मैं हूं राणा। वो छुपाने से मनोदशा नहीं छुपती बल्कि और प्रत्यक्ष हो जाती है। क्या हो गया भगवान, ये पूरे घर को अस्त व्यस्त क्यों कर दिया तुमने? वो मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा जी,
क्या? साईं, मैंने अपने अपराधों का, गुनाहों का, बुरे कर्मों का फल भोगा, सजा काटे, लेकिन फिर भी मैं लोगों की नजरों में अपराधी हूं। मेरे प्रति लोगों की सोच नहीं बदली। तुमने पश्चाताप अपने अंतर्मन की शांति के लिए किया था या संसार के लिए? ये समाज, ये संसार, ये तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर तो तुम्हारा नियंत्रण नहीं हो सकता। लोगों की तुम्हारे बारे में क्या मानसिकता है, वो किस नजरिए से तुम्हें देखते हैं, ये तुम्हारे वश में नहीं है राणा। पर हां, ये तुम्हारे वश में अवश्य है कि तुम खुद को किस नजर से देखते हो, किस दृष्टि से देखते हो, क्योंकि कई बार लोग भी फिर तुम्हें उसी दृष्टि से देखते हैं। लो, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई। राणा, अगर तुम्हें यह विश्वास है कि तुमने अपना पश्चाताप पूरा कर लिया है, तो ये संसार, ये दुनिया भी तुम्हें क्षमा कर देगी, तुम्हारे इस नए बदले स्वरूप को स्वीकार करेगी। पर अगर तुम्हें खुद पर ही विश्वास नहीं है कि अब तुम अपराधी नहीं हो, तो लोग भी तुम्हें अपराधी ही समझेंगे। आखिरी बार कहाँ देखा था तुमने हार? कल मैं यहीं बैठकर हार साफ कर रही थी और मुझे अच्छे से याद है, सफाई के बाद मैंने उसको वहीं बक्से में रख दिया था। बक्से में रख दिया था? तो कौन ले जा सकता है? वही तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कितना भी प्रयास करूं साईं, मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ता। क्यों साईं, क्यों? तुम्हें पछतावा है, तुम सजा भी काट चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि तुमने अपने अतीत में ऐसे काम किए हैं। जानते हो राणा, तुम खुद से भाग रहे हो, अपने परिवार से भाग रहे हो। अपने अतीत से भाग रहे हो। जिस दिन तुम अपने अतीत को स्वीकार कर लोगे, तुम्हें पूर्ण शांति मिल जाएगी। कई बार हमारा अतीत हमसे सिर्फ ये चाहता है कि हम उसे स्वीकार कर लें। जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वो हमारा पीछा करना छोड़ देता है।
इसलिए भागो मत राणा, ठहर जाओ, स्वीकार करो। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साईं, आपने बिल्कुल सही कहा, अब मैं वापस घर जाऊंगा, अपने परिवार के पास, अपने परिवार को देखे और उनसे मिले एक अरसा हो गया है। आज से तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे पहले लोग तुम्हें क्या कहते थे, आज से तुम राणा हो, सिर्फ राणा। कौन है? कौन है? ए, रुक! बोईसी नहीं आया होगा। किसकी बात कर रहे हैं आप? राणा डाकू, उसी ने चुराया है तुम्हारा सोने का हार। प्रणाम साईं। साईं देखिए ना, ये कम सब्जी तोड़ रहा है। मैं दावे से कहता हूँ कि ये बेईमानी कर रहा है। मैं रोज सामान लेता हूँ, मुझे वजन का पूरा अंदाजा है। आधा शेर में कम से कम 7-8 प्याज चढ़ते हैं, और देखिए ना, इसके तराजू में केवल 4 ही प्याज चढ़ रहे हैं। अब आप ही बताइए साईं, क्या आपको ये आधा शेर लगता है? साईं, मेरे इस आदमी से क्या दुश्मनी है जो मैं इसके साथ बेईमानी करूंगा? अगर इसे मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं आपके सामने दोबारा वजन करके दिखाता हूं। ये देखिए, मैं आपके सामने कर रहा हूं। देखिए साईं, पूरा आधा शेर है। ये कैसे संभव है? तुम्हारा बटकरा तो सही है ना? अरे तुम्हें भ्रम हो गया है साईं, आप ही इसे समझाइए। हम एक दूसरे को बेहतर तभी समझ सकते हैं जब हम खुद अपने आप को दूसरे की परिस्थितियों में रखकर देखें और फिर सोचें
ठीक कहा ना मैंने? तो तुम एक काम करो, थोड़ी देर के लिए इनको दुकानदार बना दो और तुम ग्राहक बन जाओ। जब ये अपने हाथ से सब्जी तौलेंगे, उसका वजन करेंगे, तो इन्हें खुद ही सच्चाई का पता चल जाएगा। अगर आप कह रहे हैं तो साहब ठीक है, अगर ऐसा करने से इसे समाधान मिल सकता है तो ऐसा भी करके देख सकते हैं। अब ऐसा करो, इसी तराजू से आधा सेर प्याज तुम तौल कर देखो। आधा सिर नहीं हुआ। रुक जाओ, ऐसे कैसे हो सकता है साईं? इसमें तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये सब्जी का वजन तो कम से कम डेढ़ सिर होना चाहिए और अभी तो यहां आधा सिर भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आइए सरकार, आइए, आपका इंतजार था। हरिओम हरिओम। मुझे इंसाफ चाहिए सरकार, मेरे साथ न्याय कीजिए। हरिओम हरिओम, अवश्य न्याय देंगे, लेकिन पहले बताइए अभियुक्त कहाँ है? लेके आओ उसे। छोड़ दो मुझे। अरे हजार बार कह चुका कि मैंने चोरी नहीं की, तो क्यों लाया मुझे यहाँ? डाकू राणा, हरिओम। हर अपराधी यही कहता है राणा कि मैंने अपराध नहीं किया है, लेकिन तुम्हारा इतिहास, तुम्हारा भूगोल सब जानते हैं। तुम कोई राजा हरिश्चंद्र तो नहीं हो, है कि नहीं? तो विस्तार से बताइए क्या किया है इसने? कुलकर्णी सरकार, कल मेरी पत्नी ने तिजोरी खोलकर अपना सोने का हार निकाला साफ सफाई करने के लिए। हाँ, आज जब हमने तिजोरी खोली तो हार उसमें था ही नहीं। अरे हमने पूरा घर छान मारा, पूरा घर में ढूंढ लिया, लेकिन हार मिला ही नहीं। वो संयोग से हमने कल ही राणा को अपने घर की खिड़की से अंदर ताक झांक करते हुए देखा था। हम सब जानते हैं कि राणा डाकू है। और इसके शिरडी में प्रवेश करने के दूसरे ही दिन मेरे घर में चोरी हो गई। लेकिन राणा अभी अभी सजा काट के आया है, वो ऐसा काम क्यों करेगा? अरे कुत्ते की पूंछ को 12 साल नली में रखोगे ना, वो भी वो टेढ़ी रहेगी।
चोर डाकू अपनी आदत से भंग न थे। खंडू जी, जब राणा पर साई भरोसा कर रहे हैं, तो मैं नहीं मान सकता हूं कि राणा ने चोरी की होगी। सरकार, मैंने चोरी नहीं की है। मेरा यकीन मानिए, मैंने ये बुरे काम छोड़ दिए। सेठ गंगाराम जी को शायद कुछ गलत फहमी हुई है। हाँ, ये बात सच है। कल साईं की तलाश में मैं पूरे गांव में भटक रहा था। उसी दौरान मैं सेठ गंगाराम जी के घर के यहां से गुजरा तो कुछ बातें सुनाई दी, और बातों ही बातों में मुझे पता चला कि शनि मंदिर में पूजा है। तो मैंने सोचा साईं वहीं मिलेंगे, और मैं शनि मंदिर आ गया जहां मुझे साईं मिले। शनि मंदिर में साईं के साथ मैं द्वारका माई आ गया, और फिर द्वारका माई छोड़ के मैं कहीं गया ही नहीं। झूठ बोल रहा है यह सरकार। अरे ओ, मुझे आरंभ से ही उस फकीर पे संदेह रहा है। तू क्या चाहता है राणा, मैं तुम पर विश्वास करूं कि तू उसके साथ खंडर में था और वो तुम्हारी निर्दोषता की गवाही दे? ये तो वही बात हो गई कि भूत का गवाह प्रेतात्मा। इस तरह तो राणा को कभी न्याय नहीं मिलेगा। मुझे कुछ करना होगा। सरकार, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की है। पर गड़बड़ कैसे हो सकती है? इसने तो तुम्हारे सामने ही सब्जियां तौली हैं, और अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद कहा था कि तुम्हारे तराजू और बटखरे में कोई दोष नहीं है, कहा था ना? हाँ, वो तो मुझे लगता है तुमने जरूर मेरे तराजू के साथ कुछ हेरफेर की। हेरफेर? भला ये हेरफेर कैसे कर सकता है? अभी तुम्हारे हाँ कर देने पर ही वो तुम्हारी जगह पर जाकर बैठा है। हाँ। और अगर इसने कोई हेरफेर की होती तो तुम्हें तुम्हें पता चली जाता, क्योंकि तुम्हारे सामने ही तो गया है वो। हाँ, आपकी बात भी सही है। पर अगर फिर भी तुम्हें कोई संदेह है तो तुम खुद जांच कर देख लो। चुंबक तो मैंने सामान वाले पलड़े के नीचे सटाया था, ये इस पलड़े के नीचे कैसे आ गया? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? क्या तराजू में कोई समस्या है या बटखरे में दोष है? पर याद रहे, इससे पहले तराजू और बटखरे को केवल तुम ही छू सकते थे, दूसरा कोई नहीं। मुझे पता चल गया साईं, मुझसे क्या हुआ था। मुझे सबक सिखाने के लिए आपका यह अनूठा तरीका था। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मुझे माफ कर दीजिए साईं। मुझ में लालच आ गया था, इसलिए मैं तराजू के पलड़े के नीचे चुंबक सटाकर लोगों को ठग रहा था। लेकिन मैं वादा करता हूं साईं, भविष्य में ऐसा काम मैं दोबारा नहीं करूंगा। जो वस्तुएं तुम बेच रहे हो, इन्हें केवल धन बनाने का साधन मत समझो, क्योंकि ये मनुष्य के जीवित रहने के लिए उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है।
इसे खाकर लोग अपना पेट भरते हैं। जो व्यवसाय तुम कर रहे हो वो कोई साधारण व्यवसाय नहीं है। अपने व्यवसाय के द्वारा तुम लोगों को उनके जीवित रहने के लिए अनिवार्य साधन उपलब्ध करा रहे हो। पेट भरने के लिए मनुष्य कठिन परिश्रम करता है, बहुत कठिन परिश्रम, और तुम उसकी इस आवश्यकता का गलत लाभ उठा रहे हो। ये ठीक नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम कितनी ही चतुराई से लोगों को धोखा दे लो, फूल झोंक लो उनकी आंख में, लेकिन एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है, क्योंकि सच उस सूरज की तरह है जिसे झूठ का बादल थोड़ी देर के लिए ढक तो सकता है परंतु हमेशा के लिए नहीं छुपा सकता। जी सर, मैं आपकी ये सीख हमेशा याद रखूंगा और मैं हमेशा अपना काम ईमानदारी से करूंगा। भाई मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। हरिओम। किसी का भी पक्ष लेने वाला इंसान नहीं हूं मैं। निर्णय देने से पहले तुम्हें अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का अवसर देना चाहता हूं मैं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू अतीत में क्या था। सब जानते हैं कि मेरा बेटा लंदन में पढ़ता है। कहां? लंदन में। और वहां विदेश में साक्ष्य के आधार पर दोनों पक्षों की बातें सुनने के पश्चात ही निर्णय दिया जाता है, न्याय दान किया जाता है। हमें दूसरों के अच्छे गुणों को स्वीकार करके जीवन में उतारना चाहिए और इसीलिए आज शिरडी में भी न्याय उसी आधार पर होगा। तुम्हें भी अवसर मिलेगा अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का। हरिओम। इसलिए अपनी निर्दोषता सिद्ध करो और गर्व से सिर उठाकर यहां से जाओ। क्या सिद्ध कर सकते हो तुम? साई, साई, साई जल्दी चलिए, राणा को कुलकर्णी सरकार के आदमी चोरी के जुर्म में उठाकर चावड़ी ले आए। चलो। क्या तुम्हारे पास अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं है? सरकार, मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं द्वारका माई में था, मैं वहां से कहीं गया ही नहीं। हरिओम। हरिओम, अर्थात अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास कोई साक्ष्य नहीं है राणा। ये तो बहुत बुरा हुआ राणा। राणा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि विलायत में, विदेश में अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए अवसर दिया जाता है, और यदि अभियुक्त अपनी निर्दोषता सिद्ध करने में असफल रहा तो उसे कड़े से कड़ा दंड भी दिया जाता है। सरकार, वहां चोरों को क्या दंड देते हैं? क्या देते हैं दंड? बताता हूं। चोरी करने वालों के ऊपर
खौलता हुआ पानी डाल देते हैं। जाओ बड़े पतीले में पानी गरम करो। आज यहां चावड़ी के बाहर सबके समक्ष अपराधी राणा को दंडित किया जाएगा उसके अपराध के लिए। हरिओम। सरकार ये अन्याय, मैंने कोई अपराध नहीं किया सरकार। जाओ इसे मार। सरकार रुकिए। सरकार किसी को भी संदेह के आधार पर सजा देना न्याय नहीं है, अपराध है। संदेह नहीं महालसपति जी, मैंने और मेरी पत्नी ने खुद अपनी आंखों से राणा को अपने घर में ताक झांक करते हुए देखा था। ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? वो सोने का हार। जब तुम लोग राणा को पकड़ने के लिए गए थे तो मुझे पूरा यकीन है तुमने उस हार को हासिल करने के लिए उस जगह का चप्पा चप्पा छान मारा होगा, है ना? या तुम्हें वो हार मिला वहां? नहीं, हमने राणा की पूरी तलाशी ले ली, खंडर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सोने का हार कहीं नहीं मिला। आप साबित क्या करना चाहते हैं महालसपति जी? हो सकता है इसने हार कहीं छुपा दिया हो। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं गंगाराम जी, अगर राणा अपनी निर्दोषता साबित नहीं कर पा रहा है तो उसका अपराध भी सिद्ध नहीं हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं गंगाराम जी, क्या आपने राणा को अपने घर चोरी करते हुए देखा था? नहीं, राणा को आपने अपने घर के बाहर देखा था, और बस इसके अतीत के आधार पर आपने इस पर संदेह करना शुरू कर दिया, है ना? बोलिए, चुप क्यों है? बोलिए। बस बस, देख रहा हूं आजकल बहुत बोलने लगे हो तुम मालसापति। मेरे विरुद्ध बोलने का साहस कैसे आ गया तुम्हें? मैं आपके खिलाफ नहीं हूं सरकार, और ना ही मैंने आपकी शान के खिलाफ एक भी शब्द कहा है। हां, लेकिन इस गलत फैसले के खिलाफ हूं मैं, उस गलत फैसले के खिलाफ बोल रहा हूं मैं और बोलूंगा। क्योंकि साई ने हमें सिखाया है कि अन्याय का विरोध करना चाहिए। सत्य के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, और वही मैं कर रहा हूं सरकार, और करता रहूंगा। हरिओम। मुझे पहले समझ जाना चाहिए था गंगाराम जी, लोगों को भड़काने वाला, अपराधियों को संरक्षण देने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं है, ये पाखंडी साई है। दोषी को दंडित करने से पहले ये ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि किसी भी निर्दोष को सजा ना मिले।
ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही न्याय का मूलभूत सिद्धांत है। अब तू सिखाएगा मुझे मुझे क्या करना और क्या नहीं? यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं ना, उन सब का ज्ञान अगर मिलाया जाए तो भी मेरा ज्ञान अधिक ही होगा। विधि न्याय तर्कशास्त्र का अध्ययन किया है मैंने। आपकी विद्वत्ता पर मुझे जरा भी संदेह नहीं है। मैं तो बस केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि राणा को सजा देने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि राणा असली अपराधी है भी या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को यह लगता है कि आपके न्याय में कमी है।